नमस्कार, सेंटर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर से मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ अपने एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच, डगलस मैकग्रेगर एंड अब्राहम मैस्लो। आज का टॉपिक हमारी 12वीं यूनिट के अंतर्गत आता है, 12वीं इकाई है, और हम स्नातक के प्रथम सेमेस्टर का जो पेपर है उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसका पेपर का नाम है प्रशासनिक सिद्धांत, कोर्स कोड है UGPA 101, और उसके अंतर्गत ये ब्लॉक 2 है और यूनिट 12 है। अभी तक हम 11 इकाइयों का अध्ययन कर चुके हैं। हमारे पिछले लेक्चर्स चैनल पर अवेलेबल हैं, आप प्लेलिस्ट के माध्यम से जा करके देख सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ पर क्रम से एक के बाद एक, मतलब एक इकाई से लेकर के 11वीं इकाई तक आपको सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे। और इस पेपर में हम लगभग समापन की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम 15 इकाइयों में, आज ये 12वीं इकाई है, 12 इकाई पढ़ चुके हैं आज को मिला के, तो धीरे धीरे समापन की ओर है आपका पहला पेपर प्रथम सेमेस्टर का। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। अपना एक्सपीरियंस आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इस पेपर में, जो कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी का पेपर है, पार्ट वन, इसमें सबसे पहले हमने क्लासिकल अप्रोच पढ़ा। इसमें सबसे पहले हमने क्लासिकल अप्रोच के बारे में जाना, उसके बाद हमने ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को पढ़ा। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में सबसे पहली बार हमने देखा कि किसी ने इस पर फोकस किया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन एलिमेंट होता है उसके महत्व को बताया है। आपने, आपको याद होगा एल्टन मेयो की हमने स्टडी, जो हाथोन स्टडी के नाम से हम जानते हैं, उसका अध्ययन हमने किया। उसके बाद हमने बिहेवियरल अप्रोच को पढ़ा, जो कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का थोड़ा सुधरा हुआ रूप है। और फिर हमने सिस्टम अप्रोच के अंतर्गत चेस्टर बर्नार्ड के और साइमन के विचारों को जाना। और उसके बाद आज हम पढ़ेंगे सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच। सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच यानी कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम। और इसमें जो प्रमुख योगदान है, वैसे तो कई थिंकर्स का योगदान, कई जो थ्योरिस्ट हैं उनका इसमें योगदान है, बट जो प्रमुख योगदान करता है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि डगलस मैकग्रेगर और अब्राहम मैस्लो। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच होती क्या है। तो सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच इज़ अ टूल टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड द ऑर्गेनाइजेशन। जो व्यक्ति है और जो संगठन है जिसमें व्यक्ति काम करता है, उसके बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो किस प्रकार की होती है, यही हम इसके अंतर्गत जानेंगे, यही समझने का प्रयास करेंगे अपने इस सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम के अंतर्गत। हेयर आर सम क्वेश्चंस। तो जो रिलेशनशिप है ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन के बीच में, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे व्हाई पीपल वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन, व्यक्ति एक संगठन में कार्य क्यों करता है। दूसरा है व्हाट आर द कंडीशंस दैट इन्हेंस द परफॉर्मेंस ऑफ पीपल एट वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो कि एक व्यक्ति के जो परफॉर्मेंस है, जो उसका कार्य करने का प्रदर्शन है, उसको वहाँ पे दिखाता है। तो वो कंडीशन की हम बात करेंगे। तो ऐसे कुछ प्रश्न हैं, ये दो प्रश्न हमने यहाँ पर लिए हैं, इससे संबंधित अन्य भी इंटर रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इन क्वेश्चन का जो आंसर ढूंढते हैं हम लोग, आंसर्स टू दीज क्वेश्चन, answers to these questions and several interrelated questions can be analyzed from a social psychological point of view. इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम सामाजिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। बेसिकली दिस अप्रोच प्लेसेस emphasis ऑन द ह्यूमन साइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने अभी बताया शुरुआत में कि सबसे पहले ह्यूमन रिलेशन अप्रोच हमने जब क्लासिकल अप्रोच के बाद में पढ़ा था, तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में सबसे पहले जो ह्यूमन एलिमेंट होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उस पर किसी ने फोकस किया था, तो वो थे एल्टन मेयो, उनकी हाथों स्टडी हमने पढ़ी थी। और उसके बाद ह्यूमन एलिमेंट को कई थिंकर्स ने थोड़ा सा और उसका सुधरा हुआ रूप उन्होंने प्रस्तुत किया, जैसे कि हम बिहेवियरल अप्रोच में पढ़ते हैं, जो संगठन में काम कर रहे व्यक्तियों के व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया गया। फिर हम सिस्टम अप्रोच पढ़ते हैं कि कैसे एक सिस्टम, एक व्यवस्था में
आंतरिक और बाहरी परिवेश का जो वातावरण जो होता है, हमारा परिवेश होता है, उसका प्रभाव पड़ता है, कैसे वो प्रभावित होता है संगठन, ये हमने जाना। तो ह्यूमन एलिमेंट कहीं ना कहीं हमने जो मेयो के थ्योरी में पढ़ा था वहीं से चला आ रहा है। तो इस अप्रोच में भी हम ह्यूमन साइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। अ बिलीफ इन मैन एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशन इज सेंट्रल टू दिस अप्रोच। इस अप्रोच के केंद्र में क्या है, जो व्यक्ति है और व्यक्ति का जो योगदान है एक संगठन के लिए, उसके बारे में हम इस अप्रोच में जानेंगे। उसी पर ये अप्रोच केंद्रित है, सेंटर्ड है। सेवरल थिंकर्स एंड राइटर्स हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस अप्रोच, अमंग देम द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ अब्राहम मैस्लो एंड डगलस मैकग्रेगर आर फेनोमिनल। जैसा मैंने अभी बताया कि बहुत सारे थिंकर्स ने इसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, पर उनमें से जो प्रमुख नाम है अब्राहम मैस्लो और डगलस मैकग्रेगर, उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आपको एक बात मैं और बता दूं कि डगलस मैकग्रेगर और अब्राहम मैस्लो में अगर हम देखें जो सीक्वेंस है, जो इनकी अप्रोच और इनके विचारों का जो क्रम है, तो सबसे पहले हम मैस्लो को पढ़ते हैं और उसके बाद मैकग्रेगर के विचारों को पढ़ते हैं। हमारे इस टॉपिक में मैकग्रेगर का नाम पहले दिया गया था, मैस्लो का बाद में दिया गया था, लेकिन अब्राहम मैस्लो डगलस मैकग्रेगर के पूर्ववर्ती हैं। तो हम पहले अब्राहम मैस्लो की जो नीड हायरार्की है, जो उनका बहुत उनकी बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है नीड हायरार्की, आवश्यकता सोपान सिद्धांत, उसको पहले पढ़ेंगे और मैस्लो के बाद हम डगलस मैकग्रेगर के विचारों का अध्ययन करेंगे। तो हम उसी सीक्वेंस में आज इसको जानेंगे। मैस्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अब्राहम मैस्लो को आपने हो सकता है किसी अन्य विषय में भी पढ़ा हो, अन्य विषयों के अंतर्गत भी मैस्लो को पढ़ाया जाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच पढ़ाई जाती है, तो उसमें अब्राहम मैस्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी है, इसको भी पढ़ाया जाता है। अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने अगर पहले पढ़ा होगा, दोबारा से इसको पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ने में। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैस्लो इन हिज क्लासिकल पेपर ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, इनका एक क्लासिकल पेपर है जो कि पब्लिश हुआ था 1943 में, उसी में थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इन्होंने दिया था। ही एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन बींग्स एंड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ ह्यूमन नीड्स। अब्राहम मैस्लो ने जो व्यक्ति और ऑर्गेनाइजेशन, यानी व्यक्ति और संगठन के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, उसको मनुष्य की आवश्यकताओं के संदर्भ में जानने का प्रयास किया है, उस प्रकार से समझाने की कोशिश की है कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं, उस आधार पर व्यक्ति और संगठन के संबंधों को बताया गया है। ह्यूमन बीइंग्स बिकम मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू फुलफिल देयर नीड्स। फुलफिलमेंट ऑफ दिस नीड्स मोटिवेट द ह्यूमन बीइंग्स टू अ हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। अब्राहम मैस्लो का कहना है कि कोई भी व्यक्ति संगठन में आता है कार्य करने के लिए, तो वो अपनी आवश्यकता के आधार पर संगठन को ज्वाइन करता है, ऑर्गेनाइजेशन में आता है, और जैसे जैसे उसकी आवश्यकताएं बढ़ती हैं, उसका वर्क परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है। जैसे जैसे उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती जाती है, उसके वर्क परफॉर्मेंस का भी लेवल बढ़ता जाता है, ऐसा अब्राहम मैस्लो का मानना है। अब हम देख लेते हैं इनके मोटिवेशन की जो थ्योरी है, आगे कहते हैं मैस्लो, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स विल हैव एडवर्स इफेक्ट ऑफ ऑन द मोटिवेशन ऑफ इंडिविजुअल्स टू कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन टू रियलाइज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब्राहम मैस्लो का कहना है, अगर किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स, जो उसकी बेसिक नीड्स हैं, तो वो पूरी नहीं होती हैं, तो जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो किसी संगठन के लक्ष्य हैं, उनकी पूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि व्यक्ति अपनी उन आवश्यकताओं की पूर्ति में लग जाता है, ना कि संगठन के जो लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति में। सर्वप्रथम उसका एक उद्देश्य होता है कि पहले हम अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं उनको, उनकी पूर्ति करें, फिर हम संगठन के लक्ष्यों पर ध्यान दे पाएंगे। तो अगर व्यक्ति की आवश्यकताएं नहीं पूरी होंगी, तो व्यक्ति संगठन में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, अकॉर्डिंग टू मैस्लो। अब नीड हायरार्की थ्योरी है क्या, इसको हम देख लेते हैं। मैस्लो अरेंज्ड अ पर्सन्स मोटिवेशनल नीड्स इन हायरार्किकल मैनर।
मैस्लो अरेंज्ड अ पर्सन्स मोटिवेशनल नीड्स इन अ हायरार्किकल मैनर. अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर सेवरल नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विच एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन. हायरार्की आपने सुना होगा, पद सोपान. तो यहाँ पर अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता का एक पद सोपान बताया है कि किस प्रकार से आवश्यकता क्रम से बढ़ती जाती हैं. जो बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाती है तो फिर उसके बाद कौन सी नीड आती है, अभी हम आगे एक डायग्राम के माध्यम से आपको इसको इसके बारे में समझाएंगे. ये मैस्लो ने एक आवश्यकता का पद सोपान बनाया है. इस प्रकार से पद सोपान के माध्यम से मैस्लो ने समझाने का प्रयास किया है. हायरार्की आपने पढ़ा होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो एक पिरामिड के आकार की होती है पद सोपान. जैसे किसी संगठन में जो पद सोपान होता है, उसी प्रकार से आवश्यकता का यह पद सोपान है. इसको हम सबसे पहले बेसिक नीड से स्टार्ट करते हैं. जिसको हम बेसिक नीड बोलते हैं, उसको अब्राहम मैस्लो ने फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी शारीरिक आवश्यकताओं का नाम दिया. शारीरिक आवश्यकताएं सबसे पहले नंबर पे रखी हैं मैस्लो ने. इसके अंतर्गत फूड, वाटर, शेल्टर, क्लॉथिंग, स्लीप, जो हमारी शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं. जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद लगती है, और उसको सोने के लिए जैसे यहाँ शेल्टर लिखा हुआ है, किसी स्थान, बंद स्थान की ज़रूरत होती है ताकि वो सुरक्षित उसमें सो सके. तो जो हम लोग हमेशा से कहते आए हैं कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, वही यहाँ पर अब्राहम मैस्लो ने समझाने की कोशिश की है. जो व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं हैं, भूख, नींद और भोजन, भूख लगेगी तो उसको भोजन की आवश्यकता है, ब्रीदिंग भी दिया है, सांस लेने की, सांस नहीं लेंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे. शेल्टर यानी उसके पास आवास हो, पीने का पानी हो, कपड़े हो, और उसको पर्याप्त सोने के लिए समय हो और आराम करने की जगह हो. तो जब व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं यानी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी, उसके बाद उन आवश्यकताओं की उपयोगिता वहां पर खत्म हो जाती है, उनकी आवश्यकता नहीं होती है. यही समझाने का प्रयास करते हैं अब्राहम मैस्लो. तो आपको ध्यान होगा, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो उसमें एक यूटिलिटी की थ्योरी है, उपयोगिता का सिद्धांत. उपयोगिता के सिद्धांत के अंतर्गत ये बताया गया है कि जैसे व्यक्ति को भूख लगी है, यदि वो चार रोटी खा सकता है और जब वो एक रोटी खा लेता है तो उसको उसके बाद उस रोटी की उतनी आवश्यकता नहीं बचती है, फिर उसकी भूख कम हो जाती है धीरे धीरे करके. जैसे जैसे उसकी भूख शांत होती जाती है, फिर वो रोटियों की कोई आवश्यक उपयोगिता उसके लिए नहीं रह जाती है. तो ठीक इसी प्रकार से हम जैसे यूटिलिटी थ्योरी पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, हम यहाँ पर मैस्लो की थ्योरी को समझने का प्रयास करें तो आसानी से समझ में आएगा. जब हमारी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, इनकी पूर्ति हो जाती है, तब हमें इन आवश्यकताओं, इन जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, इनके फुलफिलमेंट की कोई चिंता नहीं रहती है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ये सारी सुविधाएं हैं. हमें भोजन मिल रहा है, आवास हमारे पास उपलब्ध है, कपड़े हैं. तो रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकताएं पूरी होने के बाद व्यक्ति की दूसरी जो इच्छाएं होती है, आवश्यकता क्या होती है, नंबर दो पे रखा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. फिर व्यक्ति अपनी सुरक्षा के बारे में सोचता है, उसके पास जो प्रॉपर्टी है, जो घर है, जो उसके घर में लोग हैं, फैमिली है, उसकी हेल्थ है, तो वो उसकी हेल्थ की सेफ्टी हो, यानी उसके जो स्वास्थ्य की है सुरक्षा हो, स्वास्थ्य के लिए कुछ व्यवस्था करे, सरकार प्रबंध करे, जो उसके पास प्रॉपर्टी है वो सुरक्षित रहे, फिर उसको आवश्यकता महसूस होती है सुरक्षा की. तो सेकंड नंबर पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, फैमिली एंड सोशल एबिलिटी. एम्प्लॉयमेंट भी होना चाहिए क्योंकि सोशल सिक्योरिटी के लिए. और नेक्स्ट है लव एंड बिलोंगिंग, यानी प्रेम और अपनत्व की आवश्यकता बढ़ती है. जब व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, सुरक्षा मिल जाती है, उसकी प्रॉपर्टी, उसका सब फैमिली सब सुरक्षित हो जाते हैं, तब इन आवश्यकताओं के उसे उतनी चिंता नहीं रहती क्योंकि वो उसकी आवश्यकता पूरी हो चुकी होती है. तो तीसरे नंबर पे आता है लव एंड बिलोंगिंग, प्रेम और अपनत्व. फिर वो देखता है कि हमारी फैमिली हमें प्रेम करे, हम लोग प्यार से, अपनेपन से रहें, और हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे मित्र, फिर वो फ्रेंड्स बनाने की सोचता है, कुछ हमारे दोस्त हों, रिश्तेदार हों हमारे घर आएँ. तो लव एंड बिलोंगिंगनेस की खोज में वो आगे बढ़ता है. इंटीमेसी, सेंस ऑफ कनेक्शन, लोगों से जुड़ने का प्रयास करता है कि लोग हमें जाने, हमें प्रेम करें और हमें अपनाएं. और जब इसकी तीनों आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, फिर इन तीनों की उपयोगिता कम होती जाती है. और नेक्स्ट नंबर पे है सेल्फ इस्टीम, यानी कि स्वाभिमान. इसमें आता है कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स,
द नीड टू बी यूनिक इंडिविजुअल। जब व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षा से संबंधित आवश्यकताएं और प्रेम और अपनत्व, तो जो वो रिश्ते खोजने की कोशिश करता है, वो उससे संबंधित आवश्यकताएं, इनकी पूर्ति हो जाती है, तब व्यक्ति कोशिश करता है कि वो उसके अंदर एक स्वाभिमान का भाव जागृत होता है कि हम स्वाभिमान से रहें। फिर इन आवश्यकताओं के बजाय वो कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाता है, अचीवमेंट्स। फिर वो उपलब्धियों की बात करता है कि हमारे पास मतलब ये अचीवमेंट्स हैं, हमने ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं। रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, दूसरे उसका सम्मान करें। द नीड टू बी यूनिक इंडिविजुअल, और समाज में उसकी एक अलग पहचान हो, लोग उसको सम्मान की दृष्टि से देखें और उसकी एक अलग पहचान स्थापित हो। तो यहाँ पर सेल्फ इस्टीम की बात करते हैं अब्राहम मैस्लो, फोर्थ नंबर की नीड है। और लास्ट जो इसमें हायरार्की में जो लास्ट सबसे ऊपर टॉप लेवल में दिया हुआ है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी आत्मबोध या आत्म वास्तविकरण। इसके अंतर्गत क्या होता है, मॉरेलिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, एक्सेप्टेंस, एक्सपीरियंस, पर्पज, मीनिंग एंड इनर पोटेंशियल। जब व्यक्ति की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, चाहे वो शारीरिक आवश्यकता हो, चाहे वो सुरक्षा से संबंधित आवश्यकता हो, फिर फ्रेंड्स एंड रिलेशनशिप या लव एंड बिलोंगिंग के अंतर्गत जो आता है उसकी आवश्यकता हो, सारा कुछ उसके पास है, तब फिर वो अपने स्वाभिमान से उड़ रहा है, फिर वो आत्मबोध, वो फिर अपने विषय में उसके अंदर क्रिएटिव थॉट आते हैं कि कुछ बेस्ट कर पाए हम। फिर उसको जो अभी नीचे की हमने आवश्यकताएँ बताई उनकी कोई कमी महसूस नहीं होती है, फिर वो अपने स्वयं के बारे में सोचता है कि हम कुछ अच्छा करें, कुछ क्रिएटिव करें, तो फिर वो आत्ममंथन में लग जाता है और वहाँ पर उसका लेवल ख़त्म हो जाता है जो हायरार्की का है। तो लास्ट वन है ये टॉप पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये है अब्राहम मैस्लो का नीड हायरार्की थ्योरी है उनकी, और इसके माध्यम से ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन यानी व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैन के बीच जो रिलेशनशिप होती है उसको समझाने का प्रयास करते हैं। अब हम बात करेंगे हाउ द नीड हायरार्की वर्क्स। अब हमने नीड हायरार्की को जान तो लिया कि आवश्यकता का जो पदसोपान है वो इस प्रकार से है, पहली आवश्यकता क्या है और अंतिम आवश्यकता क्या है, लेकिन अब ये काम कैसे करता है, हम इसको सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच के अंतर्गत क्यों पढ़ रहे हैं, इसका एक ऑर्गेनाइजेशन से क्या लेना देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम समझेंगे मैस्लो के शब्दों में। ईच नीड अकॉर्डिंग टू मैस्लो इज अ गोल टू अ पर्सन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। प्रत्येक आवश्यकता है वो एक समय के हिसाब से व्यक्ति का लक्ष्य बनती है। जैसे जब व्यक्ति के पास उसकी शारीरिक आवश्यकताओं की कमी दिखती है, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती, तो उसका पहला लक्ष्य होता है कि हमारे जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, पहले वो फुलफिल हो, यानी हमारी जो भूख है उसके लिए हमारे पास भोजन हो, आवास हो, ये सारी आवश्यक, तो उसका एकमात्र लक्ष्य होता है अपनी शारीरिक आवश्यकता को प्राप्त करना। फिर इफ अ पर्सन्स बेसिक रिक्वायरमेंट्स, साइकोलॉजिकल नीड्स आर नॉट फुलफिल्ड, ही कंसंट्रेट्स ऑल हिज एनर्जीज टू अचीव सेटिस्फेक्शन इन दैट एरिया। अच्छा, बेसिक रिक्वायरमेंट ही हमारी पूरी नहीं होगी, या किसी व्यक्ति की संगठन में काम कर रहा है, अगर उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट, जो बेसिक नीड्स हैं, फुलफिल नहीं होंगी, तो वो पहले कंसंट्रेट, अपनी पूरी एनर्जी वहीं पर कंसंट्रेट करेगा, पूरा दिमाग अपना वहीं लगाएगा कैसे हम अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को प्राप्त कर सकें, पूरा कर सकें। वंस ही गेट सेटिस्फेक्शन इन दैट नीड एरिया, ही मूव्स टू द नेक्स्ट ऑर्डर नीड। और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, जब एक आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो फिर हम अपनी दूसरी आवश्यकताओं के बारे में सोचने लगते हैं, और ये ह्यूमन नेचर में शामिल है, आप भी इसको महसूस करते होंगे। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस इन द डेली लाइफ ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, और हमेशा ये सभी के दैनिक जीवन में कंटिन्यू रहता है, हम डेली दिन प्रतिदिन इसी से गुजरते हैं। नॉन अचीवमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर गोल इन अ नीड एरिया मोटिवेट्स अ पर्सन टू अचीव इट। अगर हमारी कोई आवश्यकता नहीं पूरी होती है तो कोई भी व्यक्ति हो वो मोटिवेट होता है पहले उसको अचीव करने के लिए, उसका मोटिवेशन एकमात्र यही है कि पहले अपनी इस नीड को हम अचीव करें। वंस इट इज अचीव्ड इट नो लॉन्गर मोटिवेट्स और डिराइव्स अ पर्सन टू वर्क फर्दर इन दैट एरिया। दिस इज वन ऑफ द मेन फाउंडेशंस ऑफ मैस्लोस थ्योरी ऑफ नीड हायरार्की। जब व्यक्ति की आवश्यकता पूरी नहीं होती है, जो पर्टिकुलर उसकी नीड होती है, तो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ
उसी कार्य के बारे में सोचता है जिससे उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसकी नीड्स हैं, वो फुलफिल हो जाएं। उसके अतिरिक्त उसको मोटिवेशन किसी और काम करने के लिए नहीं मिलता है। तो इसलिए मैस्लो इसको समझाने का प्रयास करते हैं कि जो नीड हायरार्की है, अगर नीड पूरी नहीं होगी तो व्यक्ति संगठन के लक्ष्यों के बारे में नहीं सोचेगा। तो जाहिर सी बात है, किसी संगठन में कोई व्यक्ति अगर कार्य कर रहा है तो उसकी जो बेसिक नीड्स हैं, सम्मानजनक वेतन उसके पास होना चाहिए। उसको वेतन मिल रहा है तो उसकी जो नीड्स हैं, बेसिक नीड्स ऑलरेडी फुलफिल हो जाएंगी। फिर उसको संगठन में प्रॉपर सम्मान दिया जाए, जैसे सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाए, किसी के साथ ऊंच नीच वाला व्यवहार न किया जाए। तो फिर वो सम्मान ढूंढता है कि लोग हमें जाने, हमारा सम्मान करें, कुछ हमारे दोस्त बने। तो इस प्रकार से संगठन में वो फिर जब उसकी आवश्यकताएँ पूरी हो जाती हैं, फिर वो संगठन की जो आवश्यकताएँ, संगठन के जो लक्ष्य हैं, उसके बारे में सोचता है और उसके लिए बेहतर तरीके से काम कर सकता है। ये तो हमने अब्राहम मैस्लो की हायरार्की नीड्स के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ मैकग्रेगर, डगलस मैकग्रेगर का क्या योगदान है सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम में। तो डगलस मैकग्रेगर की आपने बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक का नाम सुना होगा, द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइजेस, 1960 में आई थी। और डगलस मैकग्रेगर वॉज रिनोन्ड बिहेवियरलिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। ही प्रोपाउंडेड द मोटिवेशन थ्योरी विच इज़ फेमस एज एक्स थ्योरी एंड वाई थ्योरी। इन्होंने दो थ्योरी दी हैं, एक का नाम दिया है एक्स थ्योरी और दूसरी का नाम दिया है वाई थ्योरी, यानी एक्स सिद्धांत और वाई सिद्धांत। उसके अंतर्गत मनुष्य के व्यवहार के आधार पर इन्होंने कैटेगरी बनाई है, उसको मनुष्य को दो पार्ट में डिवाइड किया है, मतलब उसके व्यवहार के आधार पर मनुष्य को इन्होंने कैटेगराइज किया है एक्स थ्योरी में और वाई थ्योरी में। हिज वर्क द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइजेस 1960 ओपन न्यू विस्टास इन ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट थ्योरी बाय प्रोवाइडिंग आंसर्स टू सम ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। लेटर ही पब्लिश्ड अनदर बुक द प्रोफेशनल मैनेजर। अभी जो हमने बात की थी द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेस, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, इसी के अंतर्गत डगलस मैकग्रेगर ने अपनी थ्योरी एक्स थ्योरी और वाई थ्योरी के बारे में बात की है। और इसके बाद इनकी एक और बुक पब्लिश हुई थी 1964 में, द प्रोफेशनल मैनेजर। तो अब हम देख लेते हैं मैकग्रेगर की एक्स और वाई थ्योरी क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू मैकग्रेगर, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, अकॉर्डिंग टू मैकग्रेगर होना चाहिए, हो गया है। अकॉर्डिंग टू मैकग्रेगर, द फेलियर टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अवर कन्वेंशनल व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैन। ही कॉल्स दिस व्यू एज थ्योरी एक्स। बिहाइंड दीज व्यूज देर आर अ फ्यू अजम्पशंस अबाउट ह्यूमन नेचर एंड ह्यूमन बिहेवियर। द अजम्पशंस आर, इन्होंने मैकग्रेगर ने जो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई की बात की है, तो इसके अंतर्गत जैसे मैंने अभी चर्चा की थी कि ह्यूमन नेचर और ह्यूमन बिहेवियर, इसके आधार पर दो तरीके के मनुष्यों को इन्होंने कैटेगराइज किया है। एक प्रकार के मनुष्यों को थ्योरी एक्स में शामिल किया है और दूसरे प्रकार के जो मनुष्य हैं उनको थ्योरी वाई के अंतर्गत बताया गया है। तो कुछ मान्यताएं हैं व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्ति के स्वभाव के बारे में, जिसको हम थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे है, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को। तो हम देखते हैं कि ह्यूमन का एक बिहेवियर कैसा हो सकता है, मानव स्वभाव किस प्रकार से हो सकता है, किस प्रकार से व्यवहार बदलता है। तो थ्योरी एक्स को पहले हम जानते हैं, इसकी जो अजम्पशंस हैं आपके सामने हैं। फर्स्ट है, द एवरेज ह्यूमन बीइंग हैज़ एन इनहेरेंट डिसलाइक ऑफ वर्क एंड विल अवॉइड इट इफ ही कैन। जो एक औसत मनुष्य होता है, एक साधारण व्यक्ति होता है, ऐसा एक्स थ्योरी के अंतर्गत हम मान्यताएं पढ़ रहे हैं, मैकग्रेगर का ऐसा मानना है, वो काम करना पसंद नहीं करता है। कोई भी काम उसको दिया जाता है किसी संगठन में, तो वो पहले कोशिश करता है कि हम इसको जितना ज़्यादा ज़्यादा अवॉइड कर सकें करते रहें। जब बिल्कुल हमारे ऊपर आ जाएगा कि हमें करना ही करना है, तो लास्ट मोमेंट में देखा जाएगा, फिलहाल अभी हम काम नहीं करेंगे। तो आपने देखा होगा संगठन में दो तरीके के लोग होते हैं। एक तरह के लोग होते हैं जो उनको कोई काम दिया जाता है तो बिल्कुल नापसंद करते हैं, उनका बिल्कुल कोई भी उनकी रुचि नहीं होती है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता उस काम को करने में। तो शुरुआत में क्या कोशिश करते हैं कि जितना इसको टाल सको टालो, दूसरों के ऊपर चला जाए, दूसरे कर लें,
तो वो अपने बहाने बनाएंगे कि नहीं आज नहीं कर पाया, आज हमारे पास ये काम आ गया, इस तरीके से टालते रहते। तो जब काम देख जैसे जो अन्य लोग होते हैं देख रहे हैं कि काम उसका नहीं हो रहा है, तो कुछ और व्यक्ति उसको अपने हाथ में ले लेते हैं, या फिर जो उनका सीनियर वरिष्ठ अधिकारी होता है वो अपने उन्हीं के जो अधीनस्थ है उन्हीं के दूसरे कलीग को दे देता है, दूसरे अधीनस्थ को काम सौंप देता है, तो उनके पास से हट जाता है। और जब नहीं हो पाता तो लास्ट मोमेंट में ऐसे लोग उस काम को अपने हाथ में लेते हैं। आपने भी कई प्रत्यक्ष उदाहरण देखे होंगे। दूसरा, ही इज एम्बिशियस। ऐसे लोग काम करना तो नापसंद करते हैं लेकिन बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं। जब उनको कोई जिम्मेदारी या कोई पद देने की बात आए तो आगे बढ़ चढ़ के वो लेना चाहेंगे, जिम्मेदारी तो वो ले लेते हैं बट उस काम को करना नहीं चाहते। लोग ऐसे महत्वाकांक्षी तो होते हैं बट उन्हें काम करना अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट वन इज ही ट्राइज टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक ही तरीके के सारे लक्षण हैं। अब कोई भी जिम्मेदारी अलग से पर्टिकुलर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उसको दी जाती है तो ऐसे प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं इस स्वभाव के तो अवॉइड करते हैं, जिम्मेदारी लेने से बचते हैं, अपने ऊपर से किसी और को दे देते हैं जिम्मेदारी। जैसे उन्हें काम सौंपा गया तो वो प्रयास करते हैं कि अपने किसी और कलीग को दे दें और किसी और से काम करवा लें। ऐसा भी प्रायः देखने को मिलता है। ही इज इनडिफरेंट टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब जो संगठन के लक्ष्य हैं और संगठन की आवश्यकताएं हैं उनका कोई मेल नहीं खाता, उनके प्रति वो उदासीन होते हैं, उन्हें संगठन के लक्ष्यों से संगठन की आवश्यकताओं से कोई मतलब नहीं होता है। वो बहुत ही स्वार्थी प्रकार के मनुष्य होते हैं, वो सिर्फ स्वहित की बात करते, अपने हित के बारे में सोचते हैं ना कि संगठन के हित के बारे में सोचते हैं। ही इज अगेंस्ट डेवलपमेंटल चेंजेस। ऐसे लोग क्या करते हैं, जो परंपरागत तरीके से काम करते आए हैं बस वही करना चाहते हैं। अगर बीच में कोई डेवलपमेंटल चेंजेस की बात की जा रही है कि हमारे संगठन का विकास हो सकता है अगर हम इस प्रकार से काम करें, तो बहुत जल्दी ऐसे लोग एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि उनको बदलाव में काम ज़्यादा करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो डिनाई कर देते हैं। ही लाइक्स टू वर्क इन द ट्रेडिशनल वे। सेम थिंग, परंपरागत तरीके से काम करना पसंद करते हैं, उन्हें कोई बदलाव अच्छा नहीं लगता है। ही परफॉर्म्स टास्क ऑन द बेसिस ऑफ एडिशनल फाइनेंशियल इंसेंटिव। हाँ, अगर कहीं उनका कोई आर्थिक लाभ हो रहा है कुछ अतिरिक्त काम करने से तो वो उसे जरूर करें क्योंकि उससे उन्हें एक बेहतर इंसेंटिव, एक आर्थिक प्रोत्साहन मिलता है। तो जाहिर सी बात है ऐसे लोग लालची होते हैं क्योंकि वो आर्थिक प्रोत्साहन के लालच में उस काम को ले लेते हैं। ही परफॉर्म्स टास्क ऑन द बेसिस ऑफ एडिशनल फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। वही सेम सेंटेंस है। लास्ट वन इज टू गेट वर्क डन फ्रॉम हिम नेगेटिव मोटिवेशन लाइक इंटिमिडेशन, थ्रेट्स, स्कॉल्डिंग एट्सेट्रा आर नेसेसरी। अगर ऐसे व्यक्तियों से काम निकालना है, काम लेना ही है, मैग्रेगर कहते हैं, तो उन्हें नकारात्मक अभिप्रेरण यानी नेगेटिव मोटिवेशन, धमकाना, डरा करके, धमका करके, पुरस्कार देके, लालच देकर कि उनसे काम कराया जा सकता है। और आपको बहुत सारे संगठन ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ से लोगों की भीड़ आपको मिल जाएगी जो इस प्रकार के लोग होते हैं, जो दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, आदेशों का पालन करते हैं, स्वयं से कोई काम नहीं करना चाहते हैं, किसी काम को लेकर के पहल नहीं करना चाहते, इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते हैं, कोई बदलाव नहीं करना चाहते हैं, वो अपने जिस धरने पे काम करते आए हैं बस उतना ही काम करेंगे। तो ऐसा एक्स थ्योरी के अंतर्गत मैग्रेगर ने बताया है। अब हम इनकी वाई थ्योरी के बारे में बात करेंगे। थ्योरी एक्स अज्यूम्स ह्यूमन बीइंग्स एज लेजी, लैकिंग इन एम्बिशन, रेजिस्टिंग चेंज, नॉन क्रिएटिव, कैपेबल ऑफ बीइंग डिसीव्ड इजीली एट्सेट्रा। सारे लक्षण आपने पीछे पढ़ लिए, उन्हीं की यहाँ पे व्याख्या हो रही है। इन सच अ केस मैनेजमेंट हैज टू स्ट्रेटजीज टू अडॉप्ट हार्ड एंड सॉफ्ट। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, मैनेजमेंट के पास जो प्रबंधक होता है उसके पास दो तरीके की रणनीति होती है, हार्ड एंड सॉफ्ट। प्यार से काम निकलवाना भी जानते हैं और डांट फटकार के धमकी देकर भी काम निकलवाना जानते हैं। तो दो स्ट्रैटेजीज हैं ऐसे लोगों से काम लेने के लिए, बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे। मैग्रेगर नोट्स दैट दिस कन्वेंशनल मैनेजमेंट अप्रोच इज इनएडिक्वेट एज इट क्रिएट्स मोर प्रॉब्लम्स दैन इट सॉल्व्स। मैग्रेगर का कहना है कि ये जो कन्वेंशनल मैनेजमेंट अप्रोच है, जैसे हमने टू स्ट्रैटेजीज की बात की है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की अपेक्षा और प्रॉब्लम को बढ़ा देता है। ये प्रॉब्लम सॉल्व इससे नहीं होती, इट ही एम्फसाइज द नीड टू स्टडी द मोटिवेशनल फैक्टर्स टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। उनका कहना है कि कुछ मोटिवेशनल फैक्टर्स
को देखा जाए जिनसे काम कराए जिनके माध्यम से संगठन के व्यक्तियों से काम लिया जा सके, ना कि डरा धमका कर। तो ऐसा कुछ सोचा जाए मैनेजमेंट के द्वारा जिससे आसानी से काम कराया जा सके। अनफॉर्चुनेटली थ्योरी एक्स अजम्पशंस डोंट एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर इन इट्स टोटैलिटी। मैक्ग्रेगर थेरफोर प्रपोज्ड एन अल्टरनेटिव थ्योरी कॉल्ड थ्योरी वाई। दुर्भाग्यवश जो मान्यताएं हैं इसकी थ्योरी एक्स की, वो व्यक्ति को उसके संपूर्णता में यानी टोटैलिटी में बहुत ज़्यादा व्यक्ति के व्यवहार को एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं, क्योंकि सभी व्यक्ति ऐसे नहीं होते हैं, कुछ ही व्यक्ति होते हैं और उनमें भी कुछ गुण पाए जाते हैं, बिल्कुल नेगेटिव हम नहीं कह सकते उनके बारे में। तो मैक्ग्रेगर ने इसका एहसास किया, इसको एनालाइज किया और इसके बाद थ्योरी वाई की बात की है। थ्योरी वाई के अंतर्गत देखते हैं न्यू थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। दिस न्यू थ्योरी गिव्स अ न्यू लुक टू रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड मैनेजमेंट। इन दिस न्यू थ्योरी मैक्ग्रेगर रिप्लेसेस डायरेक्शन एंड कंट्रोल बाय इंटीग्रेशन। जो डायरेक्शन एंड कंट्रोल की बात हम पीछे कर रहे थे, जो दो स्ट्रेटजी हैं जिनके माध्यम से काम करवाना था एक्स थ्योरी के अंतर्गत व्यक्तियों से, तो अब मैक्ग्रेगर कहते हैं कि इंटीग्रेशन, इन दोनों को मिलाकर के काम करवाया जाए। सिर्फ डायरेक्शन और कंट्रोल से काम नहीं चलेगा, हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों मैनर में काम लिया जाना चाहिए। अजम्पशंस अबाउट ह्यूमन नेचर अंडर थ्योरी वाई आर। अब थ्योरी वाई के अंतर्गत क्या अजम्पशंस हैं, किस प्रकार का ह्यूमन नेचर बताया गया है, उसको देखिए। द एवरेज ह्यूमन बीइंग डजंट इनहेरेंटली डिसलाइक वर्क। ऑब्वियसली एक स्वाभाविक रूप से मनुष्य जो है काम को नापसंद नहीं करता है। डिपेंडिंग अपॉन कंट्रोलेबल कंडीशंस वर्क में भी सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। कभी कभी होता है कि ऐसा काम मिल जाता है जिससे उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, तो फिर वो नापसंद करता है। अमूमन व्यक्ति का व्यवहार ऐसा नहीं होता है, ये थ्योरी वाई कहती है। एक्सटर्नल कंट्रोल एंड थ्रेट ऑफ पनिशमेंट आर नॉट ओनली मीन्स फॉर ब्रिंगिंग अबाउट एफर्ट टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन जॉब ऑब्जेक्टिव्स। मैन विल एक्सरसाइज सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल इन सर्विस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स टू विच ही इज कमिटेड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डरा धमका करके कंट्रोल करके व्यक्ति से काम कराया जा सकता है। अगर उनकी कंडीशंस अच्छी हैं काम करने की, तो व्यक्ति सेल्फ कंट्रोल यानी जो वो खुद ही अपने आप पे नियंत्रण करके काम कर सकता है और सेल्फ मोटिवेट हो सकता है, सेल्फ मोटिवेशन के माध्यम से, सेल्फ डायरेक्शन के माध्यम से काम कर सकता है, तब उसके जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके प्रति वो कमिटेड होता है। द एवरेज ह्यूमन बीइंग लर्न्स अंडर प्रॉपर कंडीशंस नॉट ओनली टू एक्सेप्ट बट टू सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे मैक्ग्रेगर कहते हैं जो एवरेज ह्यूमन है, औसत व्यक्ति है, वो जो प्रॉपर कंडीशन है उन्हें न सिर्फ एक्सेप्ट करता है बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है। अभी पीछे जब थ्योरी एक्स पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि व्यक्ति जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से अवॉइड करता है, बचता है, जिम्मेदारी लेने से बचता है। यहाँ पे कह रहे हैं जिम्मेदारी लेता है। वर्कर्स आर विलिंग टू एक्सेप्ट चैलेंजेस एंड आर प्राउड ऑफ द वर्क दे डू। थ्योरी वाई के अंतर्गत व्यक्ति हैं वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के इच्छुक हैं और जो काम वो करते हैं वो गर्व के साथ करते हैं, प्राउड ऑफ वर्क दे डू, उस पर गर्व महसूस करते हैं। ये जस्ट एक्स थ्योरी के अपोजिट आपको यहाँ पे अजम्पशंस मिलेंगी, जो मान्यताएं हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं। वर्कर्स आर ईगर टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। लोग क्या करते हैं, जो डिसीजन मेकिंग निर्णय निर्माण है, निर्णय लेने की जो बात है उसमें इच्छुक होते हैं। वर्कर्स आर हैप्पी टू कॉन्ट्रीब्यूट एंड फील इंटरनली सेटिस्फाइड। जो काम करते हैं उससे वो आंतरिक रूप से संतुष्ट महसूस करते हैं, उनको काम करके अच्छा लगता है। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई एंड इवेल्यूएशन। अब हम इसका एक मूल्यांकन कर लेते हैं बहुत ही संक्षेप में। मैक्ग्रेगर्स एक्स एंड वाई थ्योरीज आर बेस्ड ऑन डायमेट्रिकली अपोज्ड अजम्पशंस ऑफ ह्यूमन नेचर। द लेटर थ्योरी होल्ड्स दैट मैन इज पॉजिटिव विथ पोटेंशियली टू डेवलपमेंट। पहले में बहुत नेगेटिव जो थ्योरी एक्स है, बहुत ही नेगेटिव बात की गई है ह्यूमन नेचर और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, और जो लेटर थ्योरी है यानी कि थ्योरी वाई है उसमें व्यक्ति को बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ दिखाया गया है, पोटेंशियलिटी टू डेवलपमेंट। थ्योरीज एक्स एंड वाई शुड नॉट बी टेकन एज नीट कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। बहुत ऐसा नहीं है बिल्कुल सही सही इनको थ्योरी और वाई के आधार पर मनुष्य के व्यवहार को मान लिया जाए, ये बहुत कैटेगराइजेशन बहुत नीट एंड क्लीन नहीं है। दे आर ओनली एनालिटिकल टूल्स थ्रू विच बिहेवियर कैन बी एनालाइज प्रिडिक्टेड एंड करेक्टेड। ये केवल एनालिटिकल टूल्स हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, एनालाइज किया जा सकता है और उसमें सुधार किया जा सकता है। ये एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है।
After MacGregor, many scholars have gone beyond theory Y in analyzing the human nature and its implications to organization. This, however, does not reduce the importance of MacGregor's contribution. After all, last में जो evaluation में बात की गई है कि ये कहा गया है कि बहुत से विद्वान हैं जो कि theory Y से होकर के जाते हैं, इसको follow करते हैं, उन्होंने analyze किया है कि human nature जो है, इसके जो implications हैं organization में, तो जो इनका MacGregor का जो contribution है, इसको इसके महत्व को कम करके देखा नहीं जा सकता है. बहुत ही महत्वपूर्ण बात की है. थ्योरी एक्स थ्योरी वाई दोनों ही प्रकार के लोग होते हैं, तो अजम्पशन एकदम से हम इसको डिनाई नहीं कर सकते. हालांकि एक इंस्ट्रूमेंट है, समझाने का तरीका है, एक्चुअल लाइफ से इसका कोई लेना देना नहीं. ये कहीं स्टडी नहीं की गई इस तरीके से, बस एक अजम्पशन है, उनके उनका दृष्टिकोण है MacGregor का. बट ये काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, हम प्रत्यक्ष तौर पर अपने आसपास संगठन जो है उनमें ऐसा देख सकते हैं. तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा. यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद.